तो हमने दो थ्योरम कर लिए हैं। एक पहली थ्योरम हमने की है कि अगर दो पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हों तो उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। और दूसरी थ्योरम हमने की है कि अगर कोई एक ट्राइंगल हो और एक पैरेललोग्राम हो, उन दोनों का बेस सेम हो और वो बिटवीन सेम पैरेलल हो, तो उनका उनमें से ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, इतनी बात की आपको पता होनी चाहिए। और आप कर सकते हो एक्सरसाइज 9.2, उसका पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक फिगर आपको गिवन है, वो फिगर बोर्ड पर बना रहा हूँ। ये फिगर है ए बी सी डी, ये कोई एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और जिसमें ए ई जो है ये परपेंडिकुलर है डी सी पर, एंड सी एफ एक परपेंडिकुलर बनाया गया है, सी एफ यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ए डी पर। ठीक है, फिर से ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम इन विच ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद हमें बताया है कि ए बी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ए बी कितना, 16 सेंटीमीटर। ए ई कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है। और सी एफ 10 है, सी एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड ए डी, ए डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करने वाले हैं। आपको ये एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, इस पैरेललोग्राम का अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, तो आंसर है पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ये तरीका होता है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये इक्वल रहा होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेस इंटू हाइट के। ओके, अब हाइट डिसाइड करती है कि बेस क्या लिया जाना चाहिए, है ना। मतलब इस बात का मीनिंग ये है कि अगर मैं ए ई हाइट ले रहा हूँ तो बेस क्या लिया जाएगा, आंसर है डी सी, क्योंकि ये हाइट किस पर डाली गई है, डी सी पर। तो अगर आप हाइट ये लोगे तो यानी कि बेस ये चलेगा, या उल्टा भी कह सकते हो कि अगर आपने बेस डी सी लिया तो हाइट क्या लेकर चलोगे, ए ई, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस, बेस क्या लिखा मैंने, डी सी, और हाइट कितनी, ए ई, ये ठीक, यहाँ से एरिया निकल कर आ जाएगा। डी सी हम जानते हैं क्या, आंसर है यस हम जानते हैं। कैसे, डी सी किसके इक्वल होगा, ए बी के। अगर ए बी 16 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो डी सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिख दूँ, 16 इंटू ए ई की वैल्यू कितनी, ए ई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 8, तो ए की वैल्यू यहां पर लिख देंगे 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया रहा होगा इस पैरेललोग्राम का। ठीक, यहां तक बात आती है समझ में। अब फिर से मैंने एरिया निकाला ए बी सी डी, और एरिया निकालने के लिए इस बार मैंने बेस चेंज कर दिया। मैंने सपोज करिए बेस क्या लिया, ए डी, अगर मैंने बेस ए डी लिया है तो बताइए हाइट कौन सी लूंगा, सी एफ, है ना, जो इसके ऊपर हाइट आ रही है। तो अगर मैं बेस ए डी लूंगा तो हाइट सी एफ लूंगा। पहले मैंने बेस डी सी लिया था तो हाइट क्या ली थी, ए ई, अब इस बार मैं बेस ले रहा हूँ ए डी। फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस में ले रहा हूँ ए डी और उस बेस पर हाइट आ रही है सी एफ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप कहोगे एरिया तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो वो एरिया कितना निकाल चुके हैं हम, 16 इंटू में क्या, 8। ठीक है, अच्छा 16 इंटू 8, ये ऐसे ही ठीक है। ए डी ये हम जानना चाहते हैं कितना है, और सी एफ कितना गिवन है, 10 गिवन है या नहीं है, है ना, सी एफ 10 गिवन है। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए डी की, तो 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10, इसको आप जो भी है कैंसिल आउट कर लो जिससे भी होता हो ये, है ना। और फिर इसके बाद
इसको डिवाइड करा लो, 64/5 कितना सेंटीमीटर, ये आ जाएगा पॉइंट्स में, इसका आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, कितना बन रहा है, 12.5। तो कैसे किया, फिर से ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया निकालने का तरीका होगा बेस इंटू हाइट, बेस ये ले लिया, हाइट ये ले लिया, एरिया निकल गया। लेकिन हमें पैरेललोग्राम का एरिया नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, ए डी, ये साइड निकालनी थी। तो एरिया पहले हमने निकाल के रख लिया, फिर से हमने क्या किया, बेस इंटू हाइट लगाया। इस बार बेस हमने क्या लिया, ए डी, और हाइट हमें गिवन थी 10, और एरिया हम निकाल चुके थे, तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, ए डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अच्छा 8 आ रहा, ठीक। सेंटीमीटर, ठीक है, याद है। अब इसके बाद पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, If E, F, G, H are respectively the midpoints of the side of parallelogram this, show that area E, F, G, H equals to half of area A, B, C, D, है ना, ये हमें शो करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से लेकर चल लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाना है A, B, C, D, A, B, C, D, ये एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसके हमें बनाने हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हैं ई, एफ, जी एंड एच, ये मिड पॉइंट बना दिए, ठीक। अच्छा, अब हमें कुछ शो करना है, वो मैं लिख लेता हूँ। गिवन है हमें एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और ई एफ जी एच उसके मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन में लिखना है। टू शो में जो मेरे पास है वो मैं नोट कर लेता हूँ, वो है एरिया ई एफ जी एच इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ए बी सी डी, ये दिखाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करने वाले हैं। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये इसके क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो, इसको ज्वाइन कर लिया और इसको भी ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन हो गया। अब मुझे ये दिखाना है कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बना है यहाँ पर, या जो भी एक एरिया बना है ई एफ जी एच, ये जो ई एफ जी एच है, इतना एरिया मुझे शो करना है कि ये हाफ होगा किसके, एरिया ऑफ ए बी सी डी के, हाफ के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। वो कंस्ट्रक्शन है ये कि मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींची है एच एफ, ये मैंने पैरेलल लाइन बनाई है, किसके पैरेलल, ए बी के भी पैरेलल और डी सी के भी पैरेलल। ओके, कंस्ट्रक्शन हमने जो किया है वो ये, जॉइन कराया है एच टू एफ सच दैट ये जो एच एफ वाली लाइन है ये पैरेलल है किसके, ए बी के, ऑल्सो ये पैरेलल है किसके, डी सी के, होगी, क्योंकि ए बी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी पैरेलल अब पहले से किसके है, डी सी के। तो अगर मैं एच एफ ए बी के पैरेलल बनाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के, है ना। ठीक, प्रूफ देखिए इसका, या सॉल्यूशन लिखना चाहिए, सॉल्यूशन देखिए। आपने एक थ्योरम पढ़ी है, वो ये कि अगर कोई एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस हो और बिटवीन सेम पैरेलल हो, तो उस ट्राइंगल का एरिया उस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा है। अब देखो यहाँ पर एच एफ जो है वो डी सी के पैरेलल है और ऑफ कोर्स उसके इक्वल भी है, तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन बनाया है। तो आप ये कह सकते हो कि एच एफ सी डी ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि मेरे पास है एक ट्राइंगल, एक तो है मेरे पास ट्राइंगल, ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है जी एच एफ, ट्राइंगल का नाम बताइए क्या है, जी एच एफ, एंड एक पैरेललोग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना,
पैरेललोग्राम का नाम बताइए क्या है, यहां से शुरू कर लीजिए, सी डी एच एफ, सी डी एच एफ आर लाई ऑन सेम बेस, लाई ऑन सेम बेस, बेस का नाम बताइए एच एफ, इस ट्राइंगल का बेस एच एफ है और इस पैरेललोग्राम का बेस भी क्या है एच एफ, लाई ऑन सेम बेस एच एफ, ठीक। एंड और क्या लिखेंगे बताइए, एंड बिटवीन सेम पैरेलल एच एफ बताइए किसके पैरेलल है, एच एफ किसके पैरेलल है, डी सी के, ठीक। तो हमने कहा कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है ये ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हैं, एच एफ पैरेलल है किसके, डी सी के। तो हमने क्या थ्योरम पढ़ी है कि अगर ऐसा है तो इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ जी एच एफ किसके इक्वल होगा बताइए, हाफ ऑफ एरिया इस पैरेललोग्राम के, सी डी एच एफ, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल आसान है। अब फिर से यही काम फिर से रिपीट करिए आप, आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ई एच एफ, दिखा, इस ट्राइंगल ई एच एफ का बेस क्या है एच एफ, फिर आपको एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है ए बी एफ एच, इसका बेस भी क्या है एच एफ, एंड दीज आर बिटवीन द सेम पैरेलल, एच एफ इज पैरेलल टू ए बी, दैट्स वाई एरिया ऑफ ई एच एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच, ठीक है ना। तो यही बात मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। तो मेरे पास है एक ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है ई एच एफ, एंड एक मेरे पास है पैरेललोग्राम और उस पैरेललोग्राम का नाम आपने रखा ए बी एफ एच, ए बी एच एफ, क्या लिखना चाहिए हमें, आर लाई ऑन सेम बेस, सेम बेस, बेस का नाम बताइए एच एफ, और क्या लिखना होता है हमें, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, हाँ एंड बिटवीन सेम पैरेलल, एच एफ किसके पैरेलल बेटे, ए बी के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा है तो हमने थ्योरम ये पढ़ी है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ई एच एफ किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी एच एफ के, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन बना दी मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा, इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कराएंगे, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहीं पर कराते हैं, एड फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखना, इधर वाली चीज इसके साथ ऐड होगी, है ना। तो देखना, एरिया जी एच एफ के साथ ऐड होगा क्या, एरिया ई एच एफ, ठीक है, इस साइड हो गया। अब इक्वल्स टू इस वाली साइड में ये दोनों ऐड होंगे, इन दोनों में से बताइए क्या कॉमन आ रहा है, हाफ दोनों में कॉमन है, तो मैं पहले से कॉमन लेकर लिख दे रहा हूँ, हाफ कॉमन है। अब क्या क्या बचा होगा बताओ, एक तो बचा होगा एरिया कौन सा, सी डी एच एफ, सी डी एच एफ प्लस और कौन सा एरिया, ए बी एच एफ, ए बी एच एफ, ये समझ आ गया, ये वाली बात आपको समझ आ गई थी कैसे लिखी थी मैंने। फिर इन दोनों को ऐड करा रहा हूँ, ऐड करा रहा हूँ, तो ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों ऐड होंगे, इन दोनों में से क्या हाफ कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, दिस प्लस दिस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जी एच एफ और ई एच एफ को अगर हम ऐड करा दें, जी एच एफ एरिया और ई एच एफ एरिया अगर हम ऐड करा दें तो ये टोटल एरिया आ जाता है, इस टोटल एरिया का क्या नाम है, ई एफ जी एच, इन दोनों के सम का नाम है एरिया ई एफ जी एच, एक बात, अच्छा इक्वल्स टू वन अपॉन टू चल रहा है। अब दूसरा सी डी एच एफ और ए बी एच एफ, सी डी एच एफ इतना एरिया और ए बी एच एफ इतना एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया और इस पैरेललोग्राम के एरिया को अगर हम ऐड करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी डी, ये और ये ऐड हो जाएगा तो ये कंप्लीट मिल जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया ए बी सी डी, ये यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, तो बिल्कुल आसान हो गया। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से थ्योरम हमने जो पढ़ी है उसके हिसाब से हमने लिख दिया कि इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा। फिर हमने लिख दिया इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा। फिर दोनों को क्या कर दिया, ऐड करा दिया। ऐड कराने पर ये और ये एरिया ऐड हुआ तो ये आ गया कंप्लीट। ठीक, और ये एरिया ऐड होगा तो ये कंप्लीट आ जाएगा, और हाफ आगे चल ही रहा था इसमें पहले से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड डी सी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ए पी बी इक्वल्स टू एरिया बी क्यू सी। एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ सबसे पहले, तो ए बी सी डी, ठीक है, P एंड Q आर एनी टू पॉइंट लाइंग ऑन द साइड DC एंड AD। P पॉइंट DC साइड पर लाई कर रहा है कहीं पर, चलो मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ, और Q पॉइंट AD पर लाई कर रहा है। Q पॉइंट यहाँ पर मैंने माना कहीं रहा होगा, ठीक है। शो दैट, क्या शो करना है वो यहाँ लिख लेते हैं, एरिया APB किसके इक्वल दिखाना है, एरिया बी क्यू सी, ठीक है, ये मैंने लिख लिया कंप्लीटली। अब देखो आप फिर से सुनो, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो सुन लो ध्यान से। एक ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी इन विच पी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन डी सी एंड क्यू इज एनी पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ठीक, और ये मुझे शो करना है। जब मैंने इसकी तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया ए पी बी। अब मुझे यानी कि बनाना पड़ेगा क्या, ए पी बी, है ना, तो ए पी बी बना रहा हूँ। देखो ए पी बी बन गया, ठीक है। फिर मुझे दिखा मुझे क्या लाना पड़ेगा, बी क्यू सी, तो बी क्यू सी बना रहा हूँ। ये यहाँ से देखो बी क्यू और सी, ये बी क्यू सी बन गया, दोनों चीज़ आ गई, फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक, अब इन दोनों का एरिया, एक तो ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है और एक ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, दोनों का एरिया आपस में कैसा दिखाना है, इक्वल। और इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे उसको आप ध्यान से सुनो, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको, पी ए बी, इस ट्रायंगल पी ए बी का बेस बताओ आप मुझे क्या है, ए बी। अच्छा, इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी का बेस भी क्या ले सकते हैं हम, ए बी। तो यानी कि इस ट्रायंगल पी ए बी का एरिया इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब फिर से एक ट्रायंगल है क्यू बी क्यू बी सी, इस क्यू बी सी का बेस क्या है, बी सी। फिर से इस पैरेललोग्राम का बेस क्या लिया जा सकता है, बी सी। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा, ठीक है यहां तक। अब फिर से देखो, सारा क्वेश्चन यही हो जाएगा, ये वाला जो ट्रायंगल था इसका एरिया भी इसके हाफ के इक्वल है, इसका एरिया भी इसके हाफ के इक्वल है, तो इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल होंगे। यही बात बस हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और लिखने का तरीका आप जानते हो, वो हम ऐसे लिखने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ए बी, एंड दूसरी चीज बताइए क्या है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सबसे पहले तो आपको ये लिखना होता है कि हम क्या क्या चीज़ें लेकर चल रहे हैं, फिर बताइए आगे क्या लिखते हैं, आर लाई ऑन सेम बेस, फिर हमें बेस का नाम लिख देना होता है वहाँ पर, ए बी, हाँ, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल, ए बी पैरेलल टू डी सी। इससे आपने क्या रिजल्ट निकाला, क्या थ्योरम पढ़ी आपने, एरिया इस ट्रायंगल का एरिया है ना, ए पी बी नाम दिया, ओके आप ए पी बी लिख सकते हो यहाँ पर, मैं ए पी बी लिख लेता हूँ, ए पी बी, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी,
लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, लिखने का तरीका बस ये होना चाहिए, ठीक है। एक इक्वेशन हो गई, अब इसके बाद दोबारा मैं बताओ क्या लिखने वाले हैं हम, क्या लिखेंगे बोलो। ट्राइंगल क्या लेंगे, क्यू बी सी, बी क्यू सी बोला है ना, तो हम बी क्यू सी लिखते हैं, चलो बी क्यू सी। एंड और क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आगे क्या लिखेंगे, आर हाँ लाई ऑन सेम बेस, सेम बेस, बेस का नाम लिखेंगे बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल, क्या क्या पैरेलल बताइए। हाँ बी सी पैरेलल टू ए डी, ठीक है ये। तो इससे क्या रिजल्ट निकला बताइए, एरिया क्यू बी सी इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया हाफ के इक्वल होगा, ठीक है यहाँ तक। अब हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी इसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ए पी बी इक्वल रहा होगा एरिया क्यू बी सी के, ये आपको लेकर आना था। समझ आ गया सबको, कुछ क्यों पूछना है, थ्योरम लगा रहे हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल सा। एक सिंपल सा रूल हमने बना लिया कि ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है अगर वो सेम बेस पर हो और बिटवीन सेम पैरेलल हो।